So hello students, welcome to abhimanu IAS. My name is Rishabh, your faculty of English. उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अच्छे से अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे. तो आई एम हेयर विद अनदर सेशन इन विच वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स एमसीक्यूज जो कि आपको हेल्प करेंगे आइदर इन योर कॉम्प्रीहेंशन और अगर आपको डायरेक्ट सिनोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी. ओके, सो Without any further delay, let us start our today's session. एक छोटा सा रिकैप देना चाहता हूँ जो कि हमने पहले पढ़ लिया है उसके बारे में. जो इससे पहले हमने कवर करी है चीज़ें, आपके PYQs के सेशंस कुछ कंडक्ट करे जिसमें कि हमने अराउंड 2023, 2022 और आपका 2021 ये हमने PYQs आपके कवर करे हैं जो कि आपको इसके लेक्चर्स आपको अभिमन्यु IAS चैनल पर मिल जाएंगे. ओके, अलोंग विद दैट व्हाट वी हैव कवर्ड, आपको रूट वर्ड की मैंने एक लेक्चर प्रोवाइड करवाई है, ठीक है, जिसमें कि हमने रूट वर्ड्स के थ्रू थोड़ा सा वोकैबुलरी पर भी फोकस करा है. और आज के सेशन में ये जो आपको सेशन रहेगा ये आपका सिनोनिम बेस्ड सेशन रहेगा. ओके चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस सेशन को. Okay, but before starting the session, I would like to introduce you to the Abhyas 2.0, which has been launched. ठीक है, और ये आपको help करेगा आपके exam को crack करने में. Along with that, ठीक है, इसकी जो भी important चीज़ें रहेंगी, like इसमें आपको mentorship मिलेगी. ठीक है, you will get all the test series जो कि आपको actual में help करेंगी exam निकालने में. अलॉन्ग विद दैट आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा. ओके चलिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. नाउ आज के सेशन का हमारा फर्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज रैप्चरस. ठीक है, रैप्चरस, आपको इसका मुझे सिनोनिम बताना है. मैं बार बार यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा कि आज का ये जो हमारा सेशन रहेगा ये कंप्लीटली सिनोनिम्स के ऊपर ही रहेगा. ओके सो हर क्वेश्चन में आपको उसका सिनोनिम बताना है, बट व्हाट आई विल ट्राई, आपको बाकी के भी जो भी ऑप्शंस हैं इनका भी मीनिंग पता होना चाहिए, राइट. रैप्चरस इसका मतलब क्या होता है? रैप्चरस का मतलब होता है एकदम से खुश, एक्सटैटिक. तो आपको सीधा सीधा इसका आंसर ही मिल गया. ठीक है, एक्सटैटिक, जॉयफुल, ठीक है, जॉयस या फिर जॉकंड या फिर जॉली. और क्या हो सकता है बताइए बताइए? यूफोरिया, यूफोरिया इसका एक आंसर हो सकता है. ठीक है, और जुबिलेंट, जुबिलेंट हो सकता है. ठीक है, जोकोज एक काफी अच्छा वर्ड है. आप सोचोगे सारे जो से, तो मैं इसलिए इनको लिख रहा हूँ साथ में कि जो से जोकर, जोकर को याद करके जितने भी जो से वर्ड बनेंगे, जोयफुल, जोयस, जोकन, जोकोज, है ना, ये सारे सारे हमारे किसके सेंस में जाएंगे, किससे रिलेटेड होंगे? खुशी से रिलेटेड, एक्सटैटिक. ठीक है, रैप्चरस इसका मतलब होता है खुशी. अब एक हमारा होता है रैप्चरस, एक होता है रैप्चर. एक रैप्चर एक रप्चर होता है, RUPTURE. तो रप्चर का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है ब्लास्ट होना या फट जाना. ठीक है, जैसे हमारे अंदर क्या होता है और बॉडी सेल्स दे गेट रप्चर. ठीक है, टाइम टू टाइम वो रप्चर होते रहते हैं, फटते रहते हैं. ठीक है, तो रप्चर और रप्चर में फर्क है. रप्चर का मतलब होता है खुशी, एक्सटैटिक, और रप्चर का मतलब होता है फटना. इमैक्यूलेट का मतलब होता है, बताइए इमैक्यूलेट का मतलब? स्पॉटलेस, एकदम नीट एंड क्लीन, है ना, जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, इमैक्यूलेट. अमिटी, अमिटी इंटरनेशनल सुना होगा आपने, है ना, अमिटी इंटरनेशनल के बारे में सुना होगा. अमिटी इंटरनेशनल, अमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली. वैसे अमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली. क्वियर, क्वियर का मतलब होता है ओड. ठीक है, थोड़ा सा बिजार. ठीक है, ओड, बिजार, ग्रोटेस्क. ठीक है, और क्या हो सकता है? थोड़ा सा आउटलैंडिश भी इसको आप बोल सकते हो. तो थोड़ा जो पुराना हो जाएगा थोड़ा सा, को भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हो, आउटलैंडिश। क्लियर? तो ये सारे के सारे ऑप्शंस को हम ऐसे ही पढ़ेंगे, तो यू विल फाइंड कि एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बहुत सी चीजें, बहुत से वर्ड्स कवर कर लेंगे आराम से। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन 4। रैप्चर का मीनिंग एक्सटेटिक जॉय इज इलेटेड। इलेटेड काफी अच्छा वर्ड है। यूफोरिक, डिलाइटेड, बाकी भी एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दी चीजें। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नैनिमस। मैग्नैनिमस का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट होगा, आर्डुअस होगा, अल्ट्रिस्टिक होगा या मैलिशियस होगा? मैग्नैनिमस बताए। मैग्नैनिमस का जो मतलब होता है दैट इज परोपकारी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिक। ठीक है, फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रो आएगा थ्रो, तो थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लो, फिलैंथ्रोपिक। ठीक है, और ऑल्ट्रिस्टिक भी इसका सिनोनिम जाएगा। ऑल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है जो परोपकारी होता है, ठीक है, जो लोगों का भला करता है, ऑल्ट्रिस्टिक, परोपकारी। ठीक है, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? इसको ऐसे समझो कि दिल्ली के जो एजेंट होते हैं, दे आर वेरी डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब हो जाएगा हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट का मतलब हो जाएगा हार्ड वर्किंग। ठीक है, आर्डुअस। आर्डुअस का भी मतलब होता है हार्ड वर्क। इसके अगर एच लगा दूं मैं आर्डुअस के आगे तो हार्डुअस, इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग अगेन। ठीक है, मैलिशियस का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा बुरा बोलना, है ना, मैलिशियस, एक गलत द्वेष रखना, द्वेष टाइप ऑफ, है ना, तो मैलिशियस का मतलब हो जाएगा द्वेष। तो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन 3। ठीक है, काइंड हार्टेड, मैग्नैनिमस काइंड हार्टेड हो जाएगा। हाँ, बेनेवलेंट, ये काफी अच्छा वर्ड है। अल्ट्रिस्टिक, चैरिटेबल, munificent, ठीक है। philanthropic भी हम philanthropic ही आएगा, थ्रो नहीं आएगा, philanthropic नहीं, philanthropic ही होगा। ठीक है, अच्छा, ये आप में एक तो munificent याद करना है। ठीक है, magnificent मत पढ़ना, इसको munificent। The meaning of munificent is kind hearted, ठीक है, दयालु, ठीक है, benevolent, जो सबके बारे में बेन, ठीक है, बून बेन, है ना, बून और बेन आपने पढ़ा होगा। बेनेवलेंट से थोड़ा सा समझाने के लिए, बेनेवलेंट, अल्ट्रुइस्टिक, चैरिटेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, अकाउट्रेमेंट्स। अकाउट्रेमेंट्स पढ़ेंगे इसको। अब इसका मतलब क्या होता है और आपको इसका बताना है अगेन सिनोनिम। पैराफर्नेलिया, रैम्पेंट, इम्प्रेग्नेबल या फिर अपार्टमेंट्स बताएंगे। व्हाट इज द राइट मीनिंग, राइट सिनोनिम ऑफ, या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट बोल सकते हो आप। अकाउट्रेमेंट्स का आपको अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, बताइए फटाफट से। अकाउट्रेमेंट्स का मतलब ऐसे होता है आपका कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी आपका, यू कैन से। अब इन ऑप्शंस में से देखो क्या होगा। एक इसमें आ जाएगा एपरेटस, हो जाएगा आपका, ठीक है, एक आपका हो जाएगा इक्विपमेंट। अब याद रखिएगा इक्विपमेंट के साथ में एस नहीं लगता, आइदर चाहे वो इसकी सिंगुलर फॉर्म हो या फिर प्लूरल फॉर्म, दोनों में एस नहीं लगता। सिंगुलर में तो वैसे नहीं लगता, बट इक्विपमेंट की जो प्लूरल फॉर्म है वो ऑल्सो दैट इज इक्विपमेंट। ओके, तो इसको दिमाग में रखिएगा, राइट। और एक सबसे अच्छा वर्ड दैट इज पैराफर्नेलिया। तो चारों के चारों वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। अकाउट्रेमेंट्स हो गया, पैराफर्नेलिया हो गया, अपरेटस और इक्विपमेंट, राइट। रैम्पेंट का मतलब होता है काफी तेजी से, एक अनवेलकम तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस फैला था, सो ठीक है, कैसे, काफी रैम्पेंट तरीके से, स्पेशली कोई नेगेटिव चीज, है ना, बड़ी तेजी से जब फैलती है, रैम्पेंट। इम्प्रेग्नेबल, जिसको क्या बोलते, भेदा ना जा सके, ठीक है, मतलब जहां पे एंटर ना करा जा सके, ठीक है, इम्प्रेग्नेबल। अपार्टमेंट्स आपको पता ही है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकाउट्रेमेंट्स का, इक्विपमेंट, पैराफर्नेलिया, अपरेटस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब क्या होगा? इंडोलेंट, स्क्रुपुलस, डिमेंटेड या फिर क्विक। बताइए फास्टिडियस का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट से मुझे। फास्टिडियस का मतलब होता क्या है? फास्टिडियस का मतलब थोड़ा सा नकली की सेंस में जाता है, फेक जिसको बोल सकते हो आप, है ना, फेक। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? इंडोलेंट का मतलब होता है जो हिलडुल नहीं रहा, सुस्त, इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इंडोलेंट का हो जाएगा मीनिंग। फास्टिडियस का मतलब होता है फेक या फिर स्क्रुपुलस। ओके, अनस्क्रुपुलस का मतलब होता है ऑनेस्ट। डिमेंटेड मतलब जो थोड़ा सा मेंटली स्टेबल नहीं है, ठीक है, डिमेंटेड जो मेंटली थोड़ा सा तहस नहस हो चुका है। और क्विक आपको पता ही है। इसके ऑप्शंस देखते हैं, बाकी इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन 2 ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। और क्या क्या इसके आंसर्स हो सकते हैं? मैंने उल्टा बोल दिया क्या? ओह जस्ट अ मोमेंट, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, इट्स माय मिस्टेक। एक्चुअली मैंने इसको, मुझे थोड़ा सा इस पे इरेज करना पड़ेगा। ओके, इसको देखिएगा जरा, इसको फास्टिडियस, फास्टिडियस, मुझे यहाँ पे अनस्क्रुपुलस, याद रखिएगा अनस्क्रुपुलस जो होता है, अनस्क्रुपुलस का मतलब होता है फेक, ना कि स्क्रुपुलस का, ठीक है। और फास्टिडियस का मतलब होता है ऑनेस्ट। ऐसे याद कर लो, जो इंसान जो फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, ठीक है, तो थोड़े से धार्मिक लोग होते हैं, थोड़े से ऑनेस्टी की तरफ उनका ज्यादा रुझाव होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रुपुलस। और इसका जो मीनिंग होगा, ठीक है, दैट वुड बी ऑनेस्ट। अनस्क्रुपुलस का मतलब होता है फेक, नॉट स्क्रुपुलस का। फास्टिडियस का मतलब ऐसे कर लो, जो फास्ट रखते हैं वो लोग ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, ठीक है। और जो लोग ईमानदार होते हैं वो कैसे लोग होते हैं? थोड़े से मेटिकुलस होते हैं। मेटिकुलस का मतलब क्या होगा? वैसे जो छोटी छोटी चीजों का दिमाग में ध्यान रखते हैं, मतलब अपने काम को लेके काफी ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, काफी ज्यादा मेहनती होते हैं, एसिडुअस, काफी ज्यादा मेहनती होते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा, वो अगेन डिलीजेंट आ सकता है आपका, अगेन यहाँ पे, ठीक है, और आर्डुअस आ सकता है, ठीक है, इंडस्ट्रियस आ सकता है, ठीक है ना, लेबोरियस आ सकता है। ओके, और क्या इसमें आ सकता है आपका? मेटिकुलस हो गया, सीडियस हो गया, डिलीजेंट हो गया, आर्डुअस हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया, लेबोरियस हो गया। और बताइए, है कोई वर्ड आपका लग रहा है कोई और छूटा है? ऑनेस्ट। अब देखो, इसको आप ये मत समझना कि मैं ऑनेस्ट और कैसे मैंने इस चीज को मिला दिया कि ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग। तो जो इंसान ऑनेस्ट होता है वो चीजों को लेके काफी ज्यादा मेटिकुलस होता है, काफी ज्यादा अपने काम को लेके काफी ज्यादा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज के लिए, काफी मेहनती भी होता है, ठीक है। जो लोग हरामी होते हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं, राइट, ऐसे समझ लो। ओके, तो फास्टिडियस का मतलब ऑनेस्ट हो जाएगा, स्क्रुपुलस का मतलब भी ऑनेस्ट होता है, ठीक है। डिमेंटेड का मतलब तो थोड़ा मेंटली स्टेबल नहीं है। इंडोलेंट का मतलब होता है, एक होता है इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब होता है रूड, एक होता है इंडोलेंट। ऐसे करो, वो हिलडुल नहीं रहा, इंडोलेंट, तो ऐसे बोलो डल पड़ा हुआ है, दैट इज मंडेन। मंडेन का मतलब होता है बोरिंग, क्योंकि मंडे को काम पे जाना कैसा फील होता है? बोरिंग। इंडोलेंट, इनएक्टिव, इनएक्टिव, टॉर्पिड। अगर मैं करवाने लगूं तो यहीं पे मैं आपको और 20 वर्ड दे सकता हूं, फिर मैं आपको इसके एंटोनिम बता सकता हूं, दैट इज निम्बल, अजाइल, है ना, फुर्तीला जो होता है। बट उसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे, जितना हमें ऑप्शंस में है उतना ही हम डील करेंगे थोड़ा सा। बट स्टिल आपको काफी जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहा हूं उस चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ओके, फास्टिडियस, मेटिकुलस, केयरफुल, स्क्रुपुलस, एसिडुअस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, स्टर्न, तो इसका मीनिंग क्या होगा? स्टर्न का मतलब होता है थोड़ा सा जिद्दी टाइप, है ना, थोड़ा सा जिद्दी, स्टर्न। अब देखिए क्या होगा? अपोजिट, अनरिलेंटिंग, यील्डिंग या फिर स्पोरेडिक, मैंने आपको बता दिया इसका मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न, अडामेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा अनरिलेंटिंग, जो झुकना पसंद नहीं करता, जो रिलेंटनेस नहीं दिखाता, ठीक है, अनरिलेंटिंग। यील्डिंग का मतलब होता है गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना। अपोजिट, इसको अपोजिट से मत कंफ्यूज करना, इसका मतलब अपोजिट बोलेंगे इसको, और इसका मतलब होता है एप्ट, रेलिवेंट, ठीक है, एप्रोप्रिएट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्रोप्रिएट, रेलिवेंट, एप्ट, ठीक है। पर्टिनेंट भी एक काफी अच्छा वर्ड है, इसमें ऐड कर लो पर्टिनेंट, ओके। स्पोरैडिक का मतलब होता है ओकेजनली, कभी कभार, ओकेजनली, ठीक है, वंस इन अ वाइल, कभी कभार, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, जो जिसका मतलब होता है रेयरली, राइट। तो ये सारा का सारा इसका निचोड़ था, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। स्टर्न का मतलब अनरिलेंटिंग, अनयील्डिंग, अडामेंट, फियर्स, भयानक, स्ट्रिंजेंट, कठोर, ठीक है, अडम, बाकी जो मैंने बता दिया, अडियल, थोड़ा स्टबर्न, है ना। पिग हेडेड भी बोल सकते हो, जो है ना मानता नहीं चीजों को, पिग हेडेड, राइट। बहुत सी चीजें हैं, वर्ड्स तो लिखने पे आऊंगा तो काफी ज्यादा हो जाएंगे, हमें थोड़ा सा समझना है चीजों को। ऑगमेंट करना, ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट, इतना सेंस तो नहीं जाएगा सीधा ना, डिक्रीज करना, एक्सेजरबेट करना या ऑस्टेंटेशन। ऑगमेंट का मतलब होता है थोड़ा सा बढ़ाना, इंक्रीज करना, एक्सेजरबेट, ठीक है। डिक्रीज आपको पता ही है। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा करना, ऑस्टेंटेशन मतलब दिखावा करना, बाहरी दिखावा करना, होना कुछ और दिखाना कुछ और, राइट। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज करना, एग्रावेट करना, किसी चीज को बढ़ाना या वर्स करना, इसको थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में लेते हैं, वर्स करना, ठीक है। सप्लीमेंट करना, एग्जेजरबेट, एम्पलीफाई करना, बढ़ाना, ठीक है, एलिवेट करना, ओके। ये इसका आंसर था। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होगा यहाँ पे? एम्बेरसमेंट, पोलाइटनेस, ह्यूमिलिएशन या ह्यूमैनिटी? बताइए बताइए बताइए। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होगा? ह्यूमिलिएशन का मतलब थोड़ा सा किसी को नीचा दिखाना, काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट, ठीक है। ह्यूमिलिएशन का मतलब हो जाएगा एम्बेरसमेंट, ह्यूमैनिटी मानवता होती है, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होगा? इसका आंसर बताइए मुझे फटाफट से, ठीक है, बताओ बताओ। एक ह्यूमिलिटी होती है, एक होता है हमारा ह्यूमिलिएशन, एक हमारा होता है ह्यूमैनिटी, राइट। ह्यूमैनिटी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, एक मानवता भी होती है, एक का इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज जिसको हम बोलते हैं, राइट, आर्ट्स, आजकल उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटीज। ओके, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है थोड़ा सा पोलाइटनेस भी आ सकता है इसका सेंस, ठीक है, थोड़ा सा एकदम काम डाउन होकर रहना ना। और ह्यूमिलिएशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, एम्बेरसमेंट, ठीक है, एम्बेरसमेंट। स्पेलिंग देख लेना इसके एक बार, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो ह्यूमिलिटी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलाइटनेस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, लोग बहुत बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब ह्यूमिलिएशन से कंपेयर हम कर देते हैं कई बार, है ना, कई बार उसको मानवता से कंपेयर कर देते हैं। तो समझिए इस चीज को, डिफरेंस को समझिए, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 8, एक्विएसेंट, ऑब्सिक्वियस, अडामेंट, एक्रिमोनियस या मेलाइन? एक्विएसेंट का मतलब क्या होगा बताएंगे मुझे फटाफट से? एक्रिमोनियस, बताइए। एक्रिमोनियस का मतलब क्या होता है? एक्री का मतलब होता है वैसे बिटर, ठीक है, एक्री का मतलब होता है बिटर, ये रूट वर्ड है, एक्री का मतलब होता है बिटर। और एक्रिमोनियस का मतलब थोड़ा सा काइंड ऑफ यू कैन से, इससे बनती नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा यू कैन से बिटर, जो आपको थोड़ा सा असर्बिक जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है, असर्बिक जिसको बोल सकते हो, ठीक है ना। एक्रिमोनियस मतलब थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा के सेंस में जाएगा थोड़ा सा, ओके। अडामेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, आइडियल, स्टबर्न। ऑब्स्टिक्वस का मतलब होगा दिखावा, ऑब्सीक्वियसनेस, ठीक है। मलाइन का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा बुरा बोलना। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्विएसेंट, इसका मतलब बताओ मुझे फटाफट से, ठीक है। सिनोनिम बताना है आपको। बताइए फटाफट से। ओके अब थोड़ा सा इसको ना, इसको रेक्टिफाई करो। ये ऑब्सीक्वियसनेस है, ठीक है। एक होता है, एक किसको ऑस्टेंटेशन, एक होता है ऑब्सीक्वियस। ऑब्सीक्वियस, ओके ओके। नाउ द थिंग इज एक्वेशन का मतलब होता है कंप्लाई करना एक्चुअल में, ठीक है। इसका मतलब किसी को किसी के साथ कंप्लाई करना। अब कंप्लाई करना का मतलब क्या जाएगा, कोऑपरेट करना या उसकी बात मानना। इसको ऐसे बोल सकते हो सर्वाइल, है ना। सर्वाइल मतलब जो थोड़ा सा कभी भी ऑर्डर लेने के लिए तैयार रहता है, सर्वाइल, ठीक है। तो ऑब्सीक्वियस का मतलब जो होगा यहाँ पे दैट वुड बी कंप्लाई के सेंस में जाएगा, ठीक है। जो बात मानने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ठीक है। जिसको कोई भी दबा सकता है, प्लाइंट, प्लायबल जिसको बोल सकते हो, प्लायबल, प्लाइंट, प्लायबल, ठीक है। और या फिर प्लाइंट जो जिसको कोई भी दबा सकता है, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड जाता है वैसे ये, राइट, ऑब्सीक्वियस, राइट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन इसका मैंने बता दिया, कोऑपरेटिव होता है, एमेनेबल, फ्रेंडली, ऑब्सीक्वियस, सर्वाइल, प्लाइंट, सबमिसिव, है ना। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, पोम्पस। अब पोम्पस का मीनिंग क्या होगा, पोम्पस का मतलब क्या हो जाएगा। पोम्पस का मतलब होता है दिखावा करना। इंपीरियस का मतलब, इंपीरियस का मतलब होता है घमंडी, राइट। जस्ट अ मोमेंट, इंपीरियस का मतलब होगा घमंडी, ओके। जस्ट अ मोमेंट। ओके, पोम्पस। पोम्पस का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। और इंपीरियस का मतलब होता है घमंडी, आई एम परी, ठीक है। थोड़ा स्टिफ नेकेड, थोड़ा सा घमंडी टाइप की सेंस में इसको बोलेंगे, ठीक है। और लेमेंट का मतलब बताएगा कोई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमेंट। जेरेमियाड, काफी अच्छे अच्छे वर्ड है। प्रेडिकामेंट। पोम्पस का मतलब क्या होगा, तो बता, पोम्पस का मतलब क्या होगा। इसका राइट आंसर देख लेते हैं पहले। दिखावा, इंपीरियस हो गया, ग्रेडियोस हो गया, वेन हो गया, सुपरसिलियस, सुपर जो खुद को समझता है, फर्स्टियन, ठीक है, ब्रैगर्ट या टर्जिट। लेमेंट किसको बोलेंगे, जेरेमियाड किसको बोलेंगे, प्रेडिकामेंट किसको बोलेंगे, बताओ। लेमेंट का मतलब कहाँ गया, जेरेमियाड और प्रेडिकामेंट, बताओ। चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, आप लोग कमेंट करते नहीं हो। इन तीन वर्ड्स का मीनिंग, अगेन लेमेंट, जेरेमियाड, प्रेडिकामेंट, ये सोच के आंसर करिएगा कि क्या पता ये एग्जाम में आ जाए। खुद से सर्च करो, डेफिनेटली वो चीज आपको याद भी रहेगी, ओके। चलो एक्सप्यूंज, या इसको कई एक्सपंज भी पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सपंज, क्या इसका आंसर होगा, बेनिसन, ब्लेसिंग, एनल या फिर रिवाइविफाई, बताओ। एक्सपंज करना इसका मतलब होता है किसी को वाइप आउट कर देना, मिटा देना। एक्सपंज का मतलब होता है वाइप आउट करना, मिटा देना, ठीक है। और एनल का मतलब भी होता है सेम, ये एनुअल नहीं है, ये एनल है। इसका भी मतलब होता है क्वैश कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। नलीफाई, ठीक है, इरेडिकेट कर देना, ओके। या फिर क्वैश कर देना, क्वैश तो मैंने लिख दिया। नलीफाई करना, नल एंड वॉइड हो गया, ठीक है। एब्रोगेट बोल सकते हो इसके लिए, एब्रोगेट, गेट से ही बाहर कर देना, ठीक है। तो एक्सपंज का जो राइट आंसर हो जाएगा एनल हो जाएगा। ब्लेसिंग, रिवाइफाई मतलब उसको फिर से जीवित करना, पुनर्जीवित करना, ठीक है। और ब्लेसिंग का मतलब आपको पता ही है। और बेनिसन का मीनिंग कोई बता सकता है मुझे? बेनिसन बताओ। जो बेनिसन होता है इसका भी मतलब होता है ब्लेसिंग, राइट? इसका भी मतलब होता है ब्लेसिंग। तो बेनिसन और ब्लेसिंग ये अपने आप में सिनोनिम्स हैं। याद रखिएगा, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं मैंने, होमवर्क है आपका, उनका आंसर बताएंगे। और जो भी मैंने इस लेक्चर में आपको बताया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्लीज। इरेज करना, वाइप आउट, कैंसिल, एक्सटर्पेट, क्वैश, नलीफाई मैंने आपको बता दिया, एक्सटर्मिनेट हो सकता है, एब्रोगेट भी लिख लेना, ठीक है। नलीफाई तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें लिखा नहीं है शायद, उसको भी लिख लीजिएगा। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे सेशन एंड PDF आपको मिल जाएगी। ओके जो भी होमवर्क देता हूँ प्लीज़ कमेंट करा करिए। जो भी लोग इसको, इस वीडियो को देखते हो, इस लेक्चर को देखते हो, इस सेशन को जो हमारे यहाँ यूट्यूब पे कंडक्ट करे जाते हैं, इनको फॉलो कर रहे हो अगर आप रेगुलरली, प्लीज़ जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको करा करिए। हु नोज कि वो चीज़ आपको एग्जाम में दिख जाए, ठीक है ना। ओके सो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, राइट। एंड वही थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। जो भी ये हमारा 75 डेज़ का ये कोर्स है जो कि अभ्यास 2.0 के अकॉर्डिंग है, जिसमें कि यू विल गेट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस भी इसमें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्या मिलेगा? ऑफलाइन क्लासेस तो हैं ही, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, CSET क्लासेस हैं, PDF नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज मेंटोरशिप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेंटोरशिप भी आपको इसमें मिलेगी प्रॉपर टिल द टाइम ऑफ योर सिलेक्शन, राइट। तो ज्वाइन कर सकते हो आप। एंड इसी के साथ में आज की सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय। तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको प्लीज़ अच्छे से फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड प्लीज़ फॉलो इट एंड बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।